नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस समय देश में लॉकडाउन चल रहा है और ये लॉकडाउन जो लागू किया गया है, जो एक कोरोना जो एक वैश्विक महामारी का इस समय रूप ले चुकी है, उसकी वजह से ये देश में लागू किया गया है। आप देख रहे हैं इस समय ये जो है ये नारायणा का पुल है, फ्लाईओवर है। आम दिनों में अगर आप देखें तो ये सड़क पूरी तरह ट्रैफिक से भरी रहती है, लेकिन आज ये सड़क पूरी तरह से खाली है और जो ये दर्शा रहा है कि इस लॉकडाउन का भारत के लोग पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। दोस्तों, इस लॉकडाउन में ज़्यादातर लोग इस समय जो अपने घरों में हैं, इस दौरान वो घरों में रहकर अपनी स्किल को बढ़ा सकते हैं। अगर कोई टेक्निकल फील्ड से है या क्लरिकल फील्ड से है, जिसकी जो भी फील्ड है, वो उस फील्ड को अपनी और मजबूत कर सकता है और एक नए लॉकडाउन खुलने के बाद एक नए उत्साह के साथ अपने कार्य क्षेत्र को ज्वाइन कर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं मोदी जी के प्रयासों की बहुत सराहना करना चाहूंगा कि उन्होंने एक सही टाइम पे एक सही डिसीजन लिया। और दोस्तों, यहाँ पे इस समय सड़कों पे सिर्फ वही लोग निकले हैं जिनके पास कर्फ्यू पास है, जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम बिताइए और एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, क्योंकि यदि हमें इस कोरोना महामारी को हराना है तो हमें इस लॉकडाउन को अच्छी तरह सफल बनाना पड़ेगा। और जो अभी तक मैंने देखा है, ये सफल हुआ भी है। अगर मैं और देशों की बात करूं तो वहां पे लोगों ने लॉकडाउन का अपना पालन नहीं किया है। दोस्तों, इस समय काफी बारिश हो रही है, देखिए सड़क पे इक्का दुक्का गाड़ियां चल रही हैं। तो यहां पे मैं बात कर रहा था कि हमारे जो भारत के जो लोग हैं वो इन परिस्थितियों को अच्छी तरह समझते हैं और तभी उन्होंने लॉकडाउन का इतनी अच्छी तरह से पालन किया और पालन कर रहे हैं। तो मेरा आपसे यह निवेदन है, कृपया इस लॉकडाउन का पालन करें और जो मोदी जी ने ये लॉकडाउन का जो एक कदम उठाया है, हम इसको अच्छी तरह से सफल बनाएं और ये काफी हद तक सफल हो भी चुका है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप अपने घर में रहेंगे, सेफ रहेंगे और इस लॉकडाउन के नियमों का अच्छी तरह से पालन करेंगे। मिलते हैं दोस्तों फिर। जय हिंद, जय भारत।